सीख रहे हैं हेयर कटिंग करना। तो इस तरह से मेरे मॉडल के बाल छोटे हैं और उनको लेंथ छोटी नहीं करनी है। तो हम यही लेंथ को मेंटेन करते हुए इनका लेयर कट देंगे, ठीक है, लेयर विथ स्टेप देंगे। थोड़ा सा हम बालों को गीला करेंगे। अच्छे से कॉम करना है। आप अपने हाथ से थोड़ा सा नीचे का कोमे वाला वैसे करूंगी, ट्रिमिंग करूंगी नीचे से। यहाँ से बढ़ता है गाइस, इनके बाल ना स्ट्रेट कटे हुए हैं, ये देखिए स्ट्रेट। तो हमें इसको पहले थोड़ा सा वी कट मारना पड़ेगा, ठीक है। हम थोड़ा सा वी कट मारेंगे तो हमें पूरा स्टेप कट का वो लुक बराबर से दे सकते हैं। तो फैन बंद करा, अच्छे से कोम कर लिया है मैंने और मिडल पार्टिंग किया है। अब मैं डायरेक्ट सिंपल सा वी मारूंगी। इनको बिल्कुल लेंथ कम नहीं करनी है, इसलिए हम लोग खूब संभाल के उनके बालों को सिंपल सा इस तरह से थोड़ा सा वी कट दे देंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करने जाएंगे गाइस तो इनके बाल छोटे हो जाएंगे और उनको बाल बिल्कुल भी छोटे नहीं करना है। तो ये मैंने सिंपल सा वी कट मार दिया है गाइस। सिर्फ वी कट मारने से उनके बालों को देखो कितना जान आ गया, कितना अच्छा लग रहा है। मार लिया है इनको, अब हम इसमें स्टेप कट मारेंगे, पर स्टेप कट में थोड़ा सा फेदर कट जैसा हम लुक देंगे। तो मैं इस तरह से सेंटर पार्टिंग दो पार्ट कर लेती हूँ बालों को। नीचे के बाल थोड़े से छोड़ देंगे हम और इस तरह से बालों को यह साइड ले दौड़ेंगे। इस तरह से बालों को हम उठाएंगे और कट मारेंगे और ये थोड़ा सा पोर्शन हम इसको छोड़ देंगे नीचे, ठीक है। फिर से बालों को इस तरह से लेंगे और क्रॉस में कट मारेंगे, ठीक है। फिर से हम एक लेंथ छोड़ देंगे और बालों को इस तरह से लेंगे। इस तरह हमें 5 times करना है गाइस। जब हम काटते हैं तो ये वाला पोर्शन काटना नहीं है, हमने क्रॉस में काटना है। इतना पोर्शन हम छोड़ देंगे, फिर से इस तरह से क्रॉस में। अब जितना क्रॉस करोगे ना उतने ये स्टेप देखिए, इस तरह से स्टेप पूरे आएंगे। तो बालों को मैंने इस तरह से 1, 2, 3 स्टेप में काट लिए हैं। दिख रहे गाइस, 1 step, 2 step, 3 step, 4 step और ये 5वां step। तो ये हमने स्टेप में उस तरह से हम ये साइड आ जाएंगे और ये हमारा एक पोर्शन हो गया है। अब हम दूसरा पोर्शन यहाँ से थोड़ा सा लेंगे और इसको फिर से इस तरह से हाथों को इस तरह लेके इसको हाथ को क्रॉस करके इस तरह से पकड़ लेंगे और क्रॉस में काटेंगे और ये लास्ट वाला पोर्शन छोड़ देंगे। फिर से बालों को थोड़ा सा ऊपर की साइड उठाएंगे और क्रॉस में काटेंगे। बेटा जबड़ उनके कटिंग ना है समझना है। फिर से हम थोड़ा सा छोड़ देंगे, फिर से इस तरह से हमें 5 times तक करना है। देखिए बहुत इजी मेथड है। इस तरह से आप पकड़ पकड़ के बालों को ऐसा छोड़ दोगे ना तो स्टेप अपने आप बनते जा रहे हैं। देखिए स्टेप कितने अच्छे से बन गए हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4 उनके बाल भी कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये हमने 2 ही step मारे हैं, ये अभी यहाँ पे मारना बाकी है। अब अभी यहाँ से लेंगे
कपड़े ते आता तू या साइड लाइए। तो गाइस हमारा हाफ पोर्शन होने को आया है, सिर्फ इतना पाव पाव भर का बाकी है। फिर से वही हम फटाफट अब कर लेते हैं। उसी तरह से मैंने पूरे ये तीन स्टेप में बाल मार दिए हैं। यहाँ पे पूरा इतना पोर्शन मेरा हो गया है। अब मैं इनका आगे से लेयर्स लूँगी। हाफ पोर्शन हमारा स्टेप कट फेदर कट हो गया है, हम आगे से लेयर्स कट मारेंगे। लेयर कट के लिए गाइस आपको सिर्फ बालों को हाथ में पकड़ना है, इस तरह से बालों को हाथ में पकड़ना है और इस तरह से पकड़ना है कोम करके, और कैंची को ऐसे ऐसे थोड़ा सा बंद करके, ऐसे थोड़ा बंद चालू तो बाल ऑटोमेटिक, हम जो नीचे के बाल खींचेंगे तो ऑटोमेटिक ऐसे थोड़े थोड़े कट होंगे। तो इस तरह से हमारे लेयर्स आ रहे हैं, बराबर आ लो, इस तरह से ये लेयर्स आ रहे हैं। तो देखिए उनके कितने पतले बाल रख रहे थे, लेकिन अब उसमें पूरी जान आ गई है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कम लग रहा है स्टेप, तो मैं यहाँ थोड़ा सा स्टेप मार लेती हूँ। तो गाइस ये हमारा हाफ पोर्शन यहाँ से हो गया है पूरा, ये स्टेप कट, ये हाफ पोर्शन इतना स्टेप है और ये हमारा सिर्फ वी कट है। यहाँ देखो बेटा, हाँ ये पूरा सिंपल है, अभी इसको कटिंग करना बाकी है। यहाँ का पोर्शन हमने कट कर डाला है। तो गाइस आपको पता पड़ रहा है कि मैंने किस तरह से स्टेप लिए। तो अब मैं हम यहाँ के बालों को स्टेप लेंगे। आधा पोर्शन हमारा हो गया है, इस तरह से या साइड ले बेटा, इस तरह से जैसे हमने किया है, नीचे के बाल छोड़ दिए हैं, एक बंच मैंने यहाँ से लिया है। इसको ना पूरा इस तरह से क्रॉस में काटना है। देखिए मैं ये बाल काट नहीं रही हूँ, क्रॉस में काट रही हूँ। ये बाल को मैं छोड़ दूँगी, फिर से इसको कोम करूँगी, थोड़ा सा मेरा डायरेक्शन ऊपर लूँगी, ऊपर लेके क्रॉस में फिर से मैं बाल काटूँगी। इधर इतना पोर्शन वापस से मैंने छोड़ दिया है, ये हुआ तीन बार, फिर से मैं पोर्शन छोड़ दूंगी, ये हुआ है फोर्थ बार, फिर से थोड़ा पोर्शन छोड़ दूंगी, और ये हो गया हमारा फाइनल फिफ्थ बार। तो देखिए गाइस ये पूरे स्टेप आए ना, इस तरह से हमारे स्टेप पूरे लाइन से दिखेंगे। अब बाकी है ये साइड का, थोड़ा ही बाकी है अब पूरा। ये गाइस इतने बाल हमने नीचे के छोड़ देने हैं, सिर्फ ऊपर का पोर्शन लेना है और कोई सेक्शन नहीं बनाना है, ना ही कोई क्लिप वगैरह लगानी है। आप इजीली इस तरह से बालों को काट सकते हो और कोई गलती नहीं होगी आपसे। ये छोड़ दीजिए, हर बार में आप 5 बार सेक्शन अलग अलग कर दोगे, ठीक है। वापस से छोड़ो, फिर से उसको क्रॉस में करना है गाइस, हमें इस तरह से क्रॉस में काटना है। ये वाला छोड़ दो, और जैसे जैसे हमारा कटिंग का सेक्शन ऊपर जाता जाएगा, वैसे वैसे हम हाथों को भी ऊपर करते रहेंगे। थोड़े से छोड़ दो, और ये लास्ट स्टेप इस तरह से क्रॉस में काट दिया। तो गाइस देखिए पूरा पूरा स्टेप कितना अच्छे से बैठ रहा है ना। अब आए हम आगे की साइड, और कभी भी ना आगे के बालों को ज़्यादा ध्यान देने का, क्योंकि फ्रंट के बाल अच्छे दिखेंगे ओपन करने से। तो नीचे के बाल मैंने छोड़ दिए हैं, ऊपर के बाल मैं ले रही हूँ और क्रॉस में कट कर रही हूँ। तो गाइस हमारे फ्रंट के बाल जितने अच्छे दिखेंगे ना, उतना लुक अच्छा दिखेगा। पीछे तो बाल अच्छे ही दिखने वाले हैं, लेकिन आगे के बाल को ज़्यादा ध्यान दो। गाइस 5 times मैंने इस तरह से पूरा स्टेप ले लिया है। अब हम इसको लेयर्स करेंगे। वो साइड जिस तरह से लेयर्स मारी थी उसी तरह से
ये साइड भी लेयर्स लेंगे, इतना पोर्शन हम ले लेंगे और गाइस कॉम को ऐसे पकड़ेंगे, कैची को ऐसे पकड़ेंगे और थोड़ा जोर के थोड़ा सा बस हमें इस तरह से थोड़ा ऐसे ऐसे करना है, ज़्यादा नहीं, पूरा कट नहीं करना है। तो ये लेयर्स हमारे कट के नीचे गिर रहे हैं। एक बार फिर से फाइनली हम देख लेंगे। तो गाइस देखिए पूरे स्टेप इस तरह से पूरा अच्छे से बैठ गए हैं, कहीं लगे स्टेप नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा फिर से उसको हम कट मार लेंगे। तो अब देखिए आप विदाउट सेटिंग भी इनके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं और पूरा स्टेप दिख रहा है। अब हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और पूरे ऊपर के बालों को ऐसे उठा के इस तरह से वापस से स्टेप करेंगे। ताकि हमारे फेदर्स जो बैठे हैं बराबर, कोई कोई जगह पे नहीं बैठे होंगे तो सारे अच्छे से आ जाए। इसी तरह से ये साइड के बालों को भी ले लेंगे। गाइज इनको बाल बहुत ज्यादा छोटे नहीं करना है, ना ही वॉल्यूम कम करना है, तो इस तरह से फिर थोड़े थोड़े ही हमें स्टेप देना पड़ेगा ताकि उनका वॉल्यूम भी बना रहे और स्टेप भी दिखे। तो गाइज अब हम इसको सेटिंग करेंगे। फॉरहेड है ना बड़ा है मेरे फॉरहेड की तरह, तो हम उनको आगे का थोड़ा सा यहाँ पे बालों से ढक देंगे इस तरह से। तो ये बालों को थोड़े से हम छोटे करेंगे ताकि कभी वो खुले रखे तो उनके बाल नीचे आए। गाइस देखिए मैंने बाल कुछ भी नहीं काटे हैं पर फिर भी ये लुक देखिए कितना अच्छा आ गया। अब जब हम इनको सेटिंग करेंगे ना तो बाल इस तरह से नीचे आएंगे ना तो ये अच्छे दिखेंगे और फॉरहेड छोटा दिखेगा। ठीक है इस तरह से ये देखिए इस तरह से बाल फॉरहेड को हमने छुपा डाला है, एकदम चक्कास दिख रही है। दरवाजा बंद कर दो। ये मेरी क्लाइंट ना, क्लाइंट इन द सेंस मेरी मॉडल बहुत शरारती है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। सेटिस्फाई है? यस वेरी गुड। तो चलिए अब करेंगे हम सेटिंग। करें सेटिंग? यस श्योर। तो गाइस ये सारे मेरे स्टूडेंट कटिंग देख रहे हैं और चलो मेरा थोड़ा सा प्रमोशन कर दो, लाइक शेयर बोल दो। कौन बोल रहा है? बोलो 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 जल्दी बोलो। मैं बोल रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा अपना बाल कटा के और बहुत सेटिस्फाई हुई हूँ। आप लोग से मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हो सके तो आप यहाँ तक आने की कोशिश करें। तो गाइस अब हम इनके बालों को सेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स हम आयनिंग मशीन से रोलर सेटिंग करेंगे। वो दूर मत जा, उधर बैटरी है तो थोड़ा सा गर्म हो जाए।
तो ये है हमारे फेदर कट, तो इसलिए हम इसको आउट टर्न सेटिंग करेंगे और आउट टर्न में इस तरह से हम रोल कर लेंगे। गाइस हेयर ड्रायर से बहुत टाइम जाएगा, इससे फटाफट हमारा सेटिंग हो जाता है इस तरह से। गाइस आउट टर्न हमें सेट करना है पूरा बालों को। फैन बंद करा तो थोड़ी देर को फिर मी दाखवून टाकतो पूर्ण त्या साईडने। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने पूरे बालों को सेट कर दिया है। हमें रोलर्स लगा के रखने की ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह से हमारे बाल पूरे सेट हो गए हैं। तो गाइस इस तरह से हमने पूरे बालों को सेट कर लिया है। तो गाइस देखिए इस तरह से हमारा पूरा सेटिंग पूरा हो गया है। ये मैंने आगे कर्ल्स दे दिया है उनको और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे बता देती हूँ, पूरा लुक बहुत मस्त आ गया है। तो गाइस आपको ये हेयर कट कैसा लगा मेरा, मैंने कट किया हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उर्मी बोल रही बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सच खुद में को बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। नहीं नहीं लेकिन सच में अच्छा लग रहा है। गाइस आप बताइए कमेंट करके कि आप कैसा लग रहा है उनका पहले का लुक और अब का लुक में कैसा लग रहा है। ठीक है, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी थोड़ा सा टेंस थी जब उसने बोला कि मेरी लेंथ जरा भी कम नहीं होनी चाहिए और बाल बहुत कम है,
तो मैं थोड़ा सा टेंस थी, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा अपना काम अच्छे से किया है और बालों का पूरा वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया है उनका। तो गाइस ये था आज का वीडियो हेयर कटिंग के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ये हमारी कुंडी कितनी सुंदर दिखने लग गई है। थैंक यू मैम, वेलकम वेलकम डार्लिंग। अब लगे पड़े हैं सेल्फी निकालने के चक्कर में, बस वेरी गुड, वाओ, लगे रहो सेल्फी निकालने के चक्कर में। ए आजा अंदर आजा, स्क्रीन में आजा, स्क्रीन पे आजा। ए हीरोइन इधर आ, आजा जल्दी आजा। गाइस क्लासेस में इसी तरह से हम लोग मजा मस्ती करते रहते हैं और बस वीडियो बनाते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, कुछ नया लेके आऊंगी मैं, बाय।